बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, होप यू विल बी फाइन विद गुड हेल्थ। अब आज हम इस वीडियो में देखेंगे डिप्रेशन और इट्स मैनेजमेंट के ऊपर है, पार्ट थ्री है। इसमें हम देखेंगे डिप्रेशन के बारे में, ऑलरेडी टू वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, और इसकी मैनेजमेंट की जो है वो थर्ड वीडियो और फर्दर अदर वीडियोज़ हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें खासतौर पर स्ट्रेटजीज ऑफ डिप्रेशन के ऊपर पहले बहस करेंगे, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिसको हम लागू कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एंटी डिप्रेशन इफेक्ट, डिप्रेशन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लीज़ इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच ऑल द वीडियोस, थैंक यू। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो लिस्ट ऑफ कंटेंट्स हैं, कौन कौन सी इसमें चीज़ें शामिल हैं, गोल एंड डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ डिप्रेशन। एक तो गोल्स देखेंगे, कौन कौन से गोल्स हैं और स्ट्रेटजीज ऑफ डिप्रेशन कौन सी हैं, फेजेस ऑफ डिप्रेशन कौन से हैं, कौन कौन से फेजेस में हम इसको गुजारते हैं, कितने अरसे का टाइम लगता है, एपिसोड्स एंड ट्रीटमेंट कितनी है, यानी रिमिशन इसका क्या है, और इसके अलावा रिलैप्सेस कितने हो सकते हैं, बिहेवियर थाट एंड फीलिंग जो है इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द मेन पेज। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस पेज को हमने प्रॉपरली समझना है, क्योंकि ये गोल है, ये स्ट्रेटजीज के बारे में बताएगा। इसमें द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटमेंट इज द कंप्लीट रिमिशन ऑफ द डिप्रेशन। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटमेंट जिसमें कंप्लीट रिमिशन ऑफ द डिप्रेशन हो जाए, विद फुल फंक्शनल रिकवरी हो जाए, एंड डिवेलपमेंट ऑफ रिजिलियंस, रिजिलियंस जो है वो डिवेलप हो, दोबारा बहाल हो जाए, जैसे नॉर्मल कंडीशन है उस तरह की कंडीशन हो, ये हमारा गोल है। तो अब ये गोल कैसे हासिल होगा, ये है कि इन पेशेंट में सबसे पहले जो स्टेप है वन, इसमें देखेंगे टेपर एंड सीज एनी एजेंट्स दैट कैन पोटेंशियली लोअर मूड, उसको तो फौरी तौर पे खत्म कर दें, रिमूव कर दें। अगर कोई मूड को चेंज करता है, ज्यादा मूड डिसऑर्डर हो जाता है, ज्यादा स्लीपीनेस की तरफ चला जाता है पर्सन, तो उसको फौरी तौर पर रोक देना चाहिए, उसको टेपरिंग करके रोकना चाहिए। अगर एक महीना खाया हुआ है, दो महीने खाया हुआ, तो आस्ते आस्ते करके इसको रोकना चाहिए, अब्रप्टली नहीं रोकना चाहिए। इसके बाद इंस्टीट्यूट स्लीप हाइजीन को कंट्रोल करना चाहिए, इंप्लीमेंट अप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल चेंजेस करनी चाहिए, स्मोकिंग सेशन है फॉर एग्जांपल, अडॉप्ट रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, एंड अचीव ए हेल्दी डाइट जो है वो लाजमी करनी चाहिए, खानी चाहिए। एड्रेस सब्सटेंस मिस यूज इफ रेलिवेंट, और सब्सटेंस मिस यूज अगर कर रहे हैं कंटिन्यूसली, पता नहीं चल रहा, तो उसको भी खत्म करना चाहिए। इन्वायरमेंटल देखें, फैक्टर में कोई ऐसी चीज है जिसमें ज्यादा मिस यूज हो रहा है सब्सटेंस, तो उसको फौरी तौर पर खत्म कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्टेप वन, इसमें अगर वो उन दो सिस्टम से कंट्रोल, पहले वाले स्टेप जीरो से कंट्रोल नहीं होता, तो स्टेप टू वन जो विल बी स्टार्टेड, इसमें ट्रीटमेंट ग्रोथ होगा और साइकोलॉजिकल जो एजुकेशन होगी जिसमें हम यहाँ पे बात करते हैं। इसमें खासतौर पे जेनरिक साइको सोशल इंटरवेंशन दी जाती है कॉमनली। इफ स्टेप जीरो इज इनसफिशेंट, देन ये इंटरवेंशन स्टार्ट होगी। इसमें सबसे पहली है साइको एजुकेशन है, फैमिली फ्रेंड्स केयर गिवर जो है वो उसका ख्याल करते हैं, एजुकेट करते हैं, उसको समझाते हैं, समझाने के बाद वो बेहतर कंडीशन में हो जाती हैं, उसको ऐसा माहौल देते हैं कि वो उसकी एक्टिविटी बेहतर हो जाती है। लो इंटेंसिटी इंटरवेंशन देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन देते हैं ताकि वो उसको देखे, समझे, और उसके इंटरेस्ट जो है प्लेयर जो है एनहेडोनिया जो हो चुका है वो खत्म हो, मूड डिप्रेस्ड मूड है वो खत्म हो, और एक नॉर्मल लाइफ की तरफ वो मूव कर सके, यानी बिजी करने का मुतरादिफ है ये बात। इसके बाद फॉर्मल सपोर्ट ग्रुप्स हैं, फॉर्मल सपोर्ट ग्रुप्स हैं उसमें इसको शामिल किया जा सकता है पेशेंट को, ताकि उसको कम्युनिटी ग्रुप्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर वो वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, हाउसिंग हो सकता है, इसकी तरफ ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके साथ साथ ये अगर कंटिन्यू करते हैं, कंट्रोल नहीं होता, तो फॉर्मुलेशन बेस्ड इंटरवेंशन को भी साथ मिलाया जा सकता है, यानी साइको सोशल थेरेपी भी इसमें होगी और उसके साथ साथ फॉर्मुलेशन बेस्ड इंटरवेंशन भी दी जाती है। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, सीबीटी है, इंटरपर्सनल थेरेपी है, ये पर्सनल जो इंटरपर्सनल थेरेपी है ये आगे बात करेंगे, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी है कि मैं ये करूँगा, लाजमी इसको क्विट करूँगा स्मोकिंग को, और ये चीज़ मैं लाजमी करूँगा, एक्सरसाइज डाइट प्रॉपरली खाऊंगा, ये एक्सेप्टेंस है कि मैं ये मेडिसिन टाइम पे खाऊंगा, ये एक्सेप्टेंस है। इसके बाद माइंडफुलनेस जो है बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी है, कि माइंडफुलनेस
जहन जो है ना खोल जाता है, ऐसी थेरेपी दी जाती है ताकि जो नॉर्मल फीलिंग्स हैं, नॉर्मल बिहेवियर्स हैं, नॉर्मल थॉट्स हैं, वो बहाल हो जाएं। ये साइकोलॉजिकल थेरेपीज हैं, ये भी की जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये लाजमी होती हैं। और बेशक फार्माकोथेरेपी भी करवाएं तो ये इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें जो है फार्माकोथेरेपी में फर्स्ट लाइन में SSRIs हैं, NASSAs, NDRIs हैं, SNRIs हैं, NASRIs हैं, मेलाटोनिन एगोनिस्ट हैं, सेरोटोनिन मॉड्यूलेटर्स हैं यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, इसमें नॉरएड्रेनालिन सेरोटोनिन सिलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, इस तरह के जो मुख्तलिफ फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं ये दी जाती हैं, सेरोटोनिन मॉड्यूलेटर भी इसमें दिए जा सकते हैं, मेलाटोनिन एगोनिस्ट भी दिया, सर्कैडियन रिदम में अगर प्रॉब्लम होगा तो मेलाटोनिन भी दी जा सकती है, नींद नहीं आ रही प्रॉपरली या टाइम पे नहीं सोते, डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। इसके बाद सेकंड लाइन जो थेरेपी है ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स और माओ इनहिबिटर्स हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये दो ड्रग्स हैं सेकंड लाइन में दी जाती है, फर्स्ट लाइन में ये ड्रग दी जाती है, तो इसको प्रॉपरली आप देखें। इसके बाद इफ स्टेप वन इनसफिशेंट है, इससे भी ट्रीटमेंट आप नहीं हो रहा, ये भी आपने साइकोलॉजिकल थेरेपी भी की है, फार्माकोथेरेपी भी की है, तब क्या होगा, स्टेप वन इनसफिशिएंट है तो फिर हमें रेजिस्टेंट की तरफ एटिपिकल जो डिप्रेशन है उसको देखना होगा कि क्या रीजंस हैं, या तो ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा देंगे, डोज बढ़ा देंगे, और थेरेपी के जो अदर पहलू हैं एस्पेक्ट्स उनको देखेंगे कि क्या रीजंस हैं कि प्रॉपरली ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा। कंबाइंड फार्माकोथेरेपी एंड साइकोलॉजिकल थेरेपी इनको कंबाइन करना होता है, इंक्रीज डोज ऑफ एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन, अगर थोड़ी डोज से आपने स्टार्ट करवाई है तो इंक्रीज कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल 30 मिलीग्राम की डोज अगर स्टार्ट की है स्टेलोप्राम की या किसी भी ड्रग की तो उसको डबल कर दें, डोज बढ़ा दें, तो इस तरह की जो है डिफरेंट 20 मिलीग्राम है 10 मिलीग्राम है तो उसकी डोज जो है वो इंक्रीज की जा सकती है। ऑगमेंट एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन विद लिथियम, अगर एंटी साइकोटिक ड्रग भी इसमें ऐड की जा सकती है, लिथियम है फॉर एग्जाम्पल, उसको भी दिया जा सकता है, वो भी इसको फायदा देती है, दोनों ड्रग का कम्बिनेशन जो है ये फायदा देता है डिप्रेशन में इन्वॉल्व है, और काफी रिसर्च पेपर में भी इसके बारे में आया हुआ है। कंबाइन एंटी डिप्रेसेंट्स अगर हम कर देते हैं, दो दे देते हैं ड्रग्स या तीन दे देते हैं, एंटी साइकोटिक एक ले लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं, नींद की दे देते हैं, तो ये फिर कवर कर सकते हैं, एंग्जाइटी के लिए भी दे देते हैं ड्रग, और TMS इफ अवेलेबल है तो इससे ट्रीटमेंट भी, ट्रांसक्रेनियल जो ब्रेन स्टिमुलेशन है वो भी हम देखते हैं कि उसकी भी अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो वो की जा सकती है। इसके बाद स्टेप थ्री है, इफ स्टेप टू इनसफिशेंट है, सीवियर कंडीशन है डिप्रेशन की, तो ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है जिसमें करंट जो है ब्रेन के दोनों पार्ट्स में या यूनिपोलर या वन पोल पे लेटरल यूनिलेटरल या बाइलेटरल जो फॉर्म में वो करवाया जा सकता है, यानी सीवियर कंडीशन हो और फौरी तौर पे खत्म ना हो रहा हो तो उसके लिए इमरजेंसी ECT करवाया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है स्टार्ट ऑफ मेडिकेशन, कैसे करनी है, कब करनी है, कितने अरसे के लिए करनी है, थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे बताऊंगा, मजीद भी इसके ऊपर मजीद डिस्कशन होगी, हेल्थ और इलनेस के ऊपर बात करेंगे, स्टार्ट ऑफ मेडिकेशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, हेल्दी कंडीशन में क्या कंडीशंस होती हैं, रिस्पांस रिमिशन को देखा जाता है, रिलैप्स को देखा जाता है, तो लिहाजा अगर वो शुरू में 4 to 8 weeks अक्यूट थेरेपी देनी होती है स्टार्ट में, इलनेस है इसमें अक्यूट थेरेपी जो है वो स्टार्ट करें ताकि ये कम से कम हो, रिस्पॉन्स उसका अच्छा हो, और इसके बाद रिलैप्स अगर होने के जो चांसेज होते हैं उसको कवर करने के लिए 4 से 6 महीने मजीद मेंटेनेंस थेरेपी दी जाती है। अब यार देख लें आपके हैं, यानी 2 महीने अक्यूट थेरेपी है, 4 से 6 महीने रिलैप्स जो अगर हो जाता है या होने का चांस होता है उसके लिए मेंटेनेंस थेरेपी दी जाती है, और रिपीटेड जो डिजीज है मंथ्स या इयर्स लॉन्ग टर्म थेरेपी है उसके लिए मजीद भी टाइम बढ़ाया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द साइकियाट्रिस्ट जो पेशेंट है उसके ऊपर देखते हुए माहौल के मुताबिक उस पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक जो है मेडिसिन 1, 2, 3 कंडीशन में तब्दील हो सकती हैं। थारो एक्सप्लेनेशन एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द मेडिकेशन एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ थेरेपी आर एसेंशियल फॉर स्ट्रेसफुल ट्रीटमेंट, तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा इनकी ट्रीटमेंट के लिए कैसे प्रोसीजर है, कितने अरसे के लिए करना है, ये सारा यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद एक एपिसोड है, सबसे पहले जो एपिसोड फर्स्ट हुआ था जिसमें डिप्रेशन की मेडिसिन ली गई थी, मेजर डिप्रेशन डिक्लेयर हुआ था, यानी उसका देखा गया था, सिंगल एपिसोड अभी स्टार्ट हुई है, तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कितने अरसे के लिए करना चाहिए ये एक और मेथोडोलॉजी में यहाँ पे बताया गया है। कंटिन्यू मेडिकेशन ट्रीटमेंट फॉर 4 to 9 months
वंस रिमिशन इज रीच, जब तक के बहाली नहीं होती, उस वक्त तक ये 9 महीने तक कम से कम इसको ट्रीटमेंट जारी रखना होगा। इसके बाद टोटल अप्रोक्सीमेटली 6 to 12 मंथ यानी 6 से साल तक की थेरेपी दी जा सकती है, कम से कम ये साल तक थेरेपी हाईएस्ट है एपिसोड अगर वन है। अगर सेकेंड एपिसोड है मेजर डिप्रेसिव डिप्रेशन है रिकरंट है, कंटिन्यू मेडिकेशन ट्रीटमेंट फॉर 2 to 3 years वंस रिमिशन इज रीच्ड, विदड्रॉ ग्रेजुअली। प्लीज लिसन अजान। Now we see in the second episode major depression recurrent, continue medication treatment for 2 to 3 years once remission is reached, जब दोबारा बेहतर हो जाती है कंडीशन तो 2 से 3 साल तक उसको कंटिन्यू करें जब तक के रिमिशन ना हो यानी बहाली ना हो उसकी, यानी रिलैप्स भी हो सकता है उसके दरमियान, या रिमिशन हो जाए दोबारा बहाल हो जाए असली हालत में नॉर्मल कंडीशन हो जाए तब विदड्रॉ थेरेपी ग्रेजुअली ऐसे ऐसे थेरेपी को विदड्रॉ करना। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर आर 3+ episodes आर 2 episodes मेजर डिप्रेशन रिकरेंट विद कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स सच एज रैपिड रिकरेंट एपिसोड्स हैं, बार बार दोबारा डिप्रेशन हो रहा है कंटिन्यूसली तेज हो रहा है, पेशेंट विद पार्शल इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स टू इनिशियल ट्रीटमेंट में अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया या इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट की गई है तो उसको चाहिए कि वो कंटिन्यू मेडिकेशन ट्रीटमेंट इनडेफिनेटली उसको लाजमी कंटिन्यू करनी चाहिए। फार्माकोथेरेपी फॉर डिप्रेशन शुड कंसिस्ट ऑफ अक्यूट थेरेपी अप अंटिल द बेस्ट क्लिनिकल रिस्पॉन्स और रिमिशन इज अचीव्ड यूजुअली 6 to 12 months, जैसे पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद कंटिन्यूशन थेरेपी फॉर फर्दर 6 months टू प्रिवेंट रिलैप्स, यानी 6 से 12 वीक्स के लिए ये करवाना है 12 वीक्स के लिए, फिर कंटिन्यूशन थेरेपी 6 महीने का करवाना है, तकरीबन साल के करीब ये लग जाता है, या 18 महीने 1.5 साल तक भी इसको लिया जा सकता है। इसके बाद समटाइम्स मेंटेनेंस थेरेपी विल कंटिन्यू फॉर मंथ्स और ईयर्स इन केस ऑफ रिकरेंट और परसिस्टेंट डिसऑर्डर, अगर रिकरेंट हो जाता है दोबारा आ जाता है रिलैप्स हो जाता है डिजीज खत्म नहीं होती फिर दोबारा हो जाती है तो उस कंडीशन में भी इसको दिया जा सकता है। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें कि परसिस्टेंट डिसऑर्डर रह जाता है तो फिर इसकी ट्रीटमेंट में मेंटेनेंस थेरेपी को बढ़ाया जा सकता है, मंथ से ईयर तक किया जा सकता है। रेट्स ऑफ रिलैप्स आर अबाउट ट्वाइस एज हाई व्हेन एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशन इज डिसकंटिन्यू, जब उसको रोका जाए डिसकंटिन्यू किया जाए तो रिलैप्स जो रेट है वो बढ़ जाता है ट्वाइस हो जाता है। इवन इफ अर्ली इंप्रूवमेंट इज अचीव, पहले अचीवमेंट भी अप्रूव हो चुकी है इंप्रूव हो चुकी है लेकिन इसको फिर भी कंटिन्यू करना होता है, यानी कि उसको ट्रीटमेंट को छोड़ देंगे उसको फिर कंटिन्यू करें जब तक कि प्रॉपर रिलैप्स और ये चीजें नहीं होंगी रिकरेंट वगैरह नहीं होगा। अब यहाँ पे बात हम करेंगे, ऑलरेडी इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी कि हमारे जो इसमें प्रॉब्लम होता है खासतौर पर डिप्रेशन में वो बिहेवियर में प्रॉब्लम होता है और इसके बाद थाट्स में प्रॉब्लम होता है, थिंकिंग में प्रॉब्लम होगा, इसके बाद फीलिंग्स जो करते हैं सैडनेस फीलिंग जो करते हैं वो जो है इन तीनों का जो है मिक्सचर है, फिजिकल इसमें सिम्टम्स भी शामिल है। इसमें आपको देखना यह है कि यू आर सेल्फ को देखें,
फ्यूचर को देखें और इन्वायरमेंट को देखें या आदर्स को देखें वो क्या है, फिर आप कोर बिलीफ्स आपके जहन में ये चीजें आ जाती हैं तो ऑटोमेटिकली आप फीलिंग्स बिहेवियर और भी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं ये पेशेंट। तो उनको प्रॉपर एजुकेशन यानी साइको एजुकेशन देनी चाहिए कि बिहेवियर को कैसे आप मेंटेन करेंगे, थॉट्स को कैसे करेंगे, फीलिंग्स को कैसे करेंगे और उसमें अपने आप को कैसे बचाएंगे, अपने आप की तरक्की के लिए क्या करेंगे, प्रोग्रेसिव के लिए क्या एक्टिविटीज करेंगे, फ्यूचर के लिए आपने क्या करना है, ये ऐसी इंडिकेशंस उनको बताई जाए। और इन्वायरमेंट में आपने रहना है तो कैसे रहेंगे, इन चीज़ों को अगर प्रॉपरली इंडिकेट किया जाए, बताया जाए उन पेशेंट को, तो वो लर्न करेंगे, सीखेंगे। और साइकोथेरापी में इनका बहुत बड़ा रोल है और इसके साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी साथ साथ चलेंगी। तो नेक्स्ट आई थिंक वी फिनिश दिस पार्ट और इसमें फर्दर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड वॉच ऑल द वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।